everyone, once again welcome back to our channel. So all you have to do this, अगर channel पर नए हैं तो subscribe button को जरूर press कर देना, साथ ही पास में notification bell icon को जरूर hit कर देना, because आप सभी लोग जानते हैं आपको channel के माध्यम से each one of time period पर उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत कहीं भी अगर आपका district है वहां पर जो भी भर्ती विज्ञापन जारी किए जाते हैं, आपके government sector में हो, प्राइवेट सेक्टर में हो, ईच वन ऑफ टाइम पीरियड पर हर एक भर्ती विज्ञापन की अपडेट सर्वप्रथम आपको उस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करवा दी जाती है। सो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को जरूर प्रेस कर देना। सो आज की वीडियो के अंतर्गत हम बात करने वाले हैं दो महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन जो हाल ही में उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत जारी किए गए हैं। फर्स्ट आपका अल्मोड़ा के अंतर्गत है, सेकंड नोटिफिकेशन भी हम बात करेंगे जो FSI के अंतर्गत सुपरिटेंडेंट पोस्ट के लिए रिलीज किया गया है। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे एंड डिस्कशन करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है आपका जल जीवन मिशन के अंतर्गत जारी किया गया है, विज्ञप्ति जारी किया गया जल जीवन मिशन के अंतर्गत जिला एवं स्वास्थ्य मिशन अल्मोड़ा हेतु स्वीकृत निम्न पदों पर प्रतिनियुक्ति संविदा के आधार पर वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से योग्य कार्मिकों को योजित किया जाना प्रस्तावित है। जहां पर अगर मैं पदों की बात करूं तो परियोजना प्रबंधक तकनीकी के अंतर्गत एक पद जारी किया गया, प्रतिनियुक्ति या संविदा के आधार पर आपका नियुक्ति का स्रोत रहेगा। जहां पर वेतन मानदेय की अगर मैं बात करूं तो लेवल 11 के अकॉर्डिंग आपको प्रतिनियुक्ति पर इसमें पोस्ट देखने को मिलेगी, तो 67,700 से लेकर 2,87,000 तक आपको सैलरी देखने को मिल सकती है, अथवा रुपीज़ आपको 1,10,000 संविदात्मक पोस्ट देखने को मिलेंगी इसमें, और इसमें वेतन मानदेय देखने को मिलेगा। वहीं अगर मैं बात करूँ परियोजना प्रबंधक अनुश्रवण के अंतर्गत एक पद जारी किया गया है, प्रतिनियुक्ति व संविदा के आधार पर, जिसमें कि संविदा के आधार पर अगर लगता है तो इसमें 1,10,000 रहेगा व प्रतिनियुक्ति में 67,700 से लेकर 2,87,000 की पोस्ट रहेगी, लेवल 11 की ही आपको सैलरी देखने को मिलेगी। अगर मैं बात करूँ परियोजना प्रबंधक वित्त व फाइनेंस के अंतर्गत एक पद जारी किया गया है, प्रतिनियुक्ति के आधार पर इसमें लेवल 11 की सैलरी मिलेगी 67,700 से लेकर 2,87,000, और अथवा इसमें 1,10,000 संविदा के आधार पर रहेगी। समन्वयक ISA के अंतर्गत एक पद जारी किया गया है, संविदा के आधार पर 80,000 रुपये मानदेय दिया जाएगा। साथ ही में समन्वयक IMS के अंतर्गत एक पद जारी किया गया है, संविदा के आधार पर 80,000 रुपये इसमें मानदेय दिया जाएगा। नेक्स्ट बताया गया उक्त पदों के सापेक्ष अभ्यर्थियों का साक्षात्कार 4 जनवरी 2023 को मुख्य विकास अधिकारी के कार्यालय कक्ष में 12 बजे प्रारंभ होगा, अतः सुनिश्चित अभ्यर्थी अपने मूल प्रमाण पत्र एवं उनकी छायाप्रति के साथ नियत तिथि तथा समय पर उपस्थित होना सुनिश्चित करें। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट almoda.nic.in है, इसके लिए जो लेटर हेड जारी किया गया था वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं, इसमें आपको देखने को मिल जाएगा, अटैच कर रखा है इसमें पेज नंबर 4 में आपको देखने को मिल जाएगा। पहले मुख्य विकास अधिकारी अल्मोड़ा के अंतर्गत 9 दिसंबर 2022 को एक पत्रांक जारी किया गया है, जहाँ पर आपके पोस्ट के संबंधित में जानकारी दी गई है। पहले इसमें प्रोजेक्ट मैनेजर टेक्निकल के लिए डेप्यूटेशन एंड कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस रखा गया है, जिसमें कि आपका एलिजिबिलिटी की अगर मैं बात करूँ असिस्टेंट इंजीनियरिंग की मांगी गई है, इसमें 3 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग ऑफ उत्तराखंड पेयजल निगम उत्तराखंड जल संस्थान और साथ ही में इरीगेशन डिपार्टमेंट और एनी डिपार्टमेंट अंडर द जल शक्ति, और कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस रखा गया 8 ईयर का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस मांगा गया है, बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग इन सिविल और इक्विवेलेंट एटलीस्ट 8 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है। और साथ ही में इसमें नेक्स्ट अगर मैं पद की बात करूँ प्रोजेक्ट मैनेजर मॉनिटरिंग के लिए एक पद है डेप्यूटेशन और कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस में, जहाँ पर भी आपके पास असिस्टेंट इंजीनियरिंग के लिए 3 ईयर का वर्किंग एक्सपीरियंस मांगा गया है डेप्यूटेशन बेसिस पे, और एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग के लिए उत्तराखंड पेयजल निगम उत्तराखंड जल संस्थान साथ ही में इरीगेशन डिपार्टमेंट और एनी डिपार्टमेंट अंडर जल शक्ति। अदरवाइज़ अगर कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस की बात करें तो बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल फ्रॉम रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट विद मिनिमम 8 ईयर का क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा गया है। प्रोजेक्ट मैनेजर फाइनेंस के लिए डेप्यूटेशन बेसिस पे बात करें तो फाइनेंस ऑफिसर विद 10 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है, पे स्केल लेवल 10 हो। साथ ही में कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस की अगर मैं बात करूँ तो MCOM CA ICWA इंटर विद 10 ईयर का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस इन स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सटर्नली प्रोजेक्ट गवर्नमेंट प्रोजेक्ट। कोऑर्डिनेटर की बात करें ISA के अंतर्गत आपका 80,000 रुपये सैलरी दिया जाएगा, अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन सोशल एजुकेशन और मास्टर ऑफ सोशल वर्क और सोशल साइंस एटलीस्ट 10 ईयर का सोशल वर्क का एक्सपीरियंस है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन, देन आप आवेदन कर सकते हैं। साथ ही में कोऑर्डिनेटर IMIS के अंतर्गत कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस बताया गया है, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन BTech अगर आपके पास है विद एटलीस्ट 8 ईयर का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस इन डेवलपमेंट इंप्लीमेंटेशन ऑफ M&E स्ट्रीम और मिनिमम 2 ईयर का वर्किंग एक्सपीरियंस एक्सटर्नली एडेड प्रोजेक्ट आपका सेंट्रल हो गया है स्टेट गवर्नमेंट प्रोजेक्ट हो गया है स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल इसके अंतर्गत मांगी गई हैं। नेक्स्ट पोस्ट जैसा आप सभी लोग जानते हैं, मैंने इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन भी आप सभी लोग के साथ शेयर किया था, भारतीय वन सर्वेक्षण FSI के अंतर्गत पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत आपका
सचिवी यानी सुपरिटेंडेंट पोस्ट के लिए पे मैट्रिक्स इसमें लेवल स्तर 6 रखा गया है, 35,400 से लेकर 112,400 के अधीक्षक में 7 पदों पर प्रतिनियुक्ति हेतु भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है। आप इसे www.fsi.nic.in पर भी चेकआउट कर सकते हैं। इसके लिए विदिन 45 डेज के अंतर्गत आप आवेदन कर सकते हैं और इसके लिए बताया गया है कि अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। बात करें रिक्वायरमेंट फॉर द 7 पोस्ट ऑफ सुपरिटेंडेंट ग्रुप बी इन लेवल 6 और पे मैट्रिक्स 35,400 से लेकर 112,400 इन फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ऑन डेप्यूटेशन बेसिस सुपरिटेंडेंट ग्रुप बी के अंतर्गत नेमो पोस्ट है आपकी लेवल 6 की, पे मैट्रिक्स इसमें रखा गया है, नंबर ऑफ पोस्ट 7 है, इसमें मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट बाय ट्रांसफर और डेप्यूटेशन बेसिस रखा गया है, ऑफिसर अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी के अंतर्गत, साथ ही में पोस्टिंग 2 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन स्टेबलाइजिंग एंड अकाउंट्स वर्क के अंतर्गत इसमें मांगा गया है, पीरियड ऑफ डेप्यूटेशन के बारे में जानकारी दी गई है। प्लेस एंड नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो FSI हेडक्वार्टर ऑफिस देहरादून में 1 पद है, रीजनल ऑफिस सेंट्रल नागपुर में 2 पोस्ट हैं, रीजनल ऑफिस नॉर्थ शिमला में 1 पोस्ट है एंड रीजनल ऑफिस ईस्ट कोलकाता में इसमें 3 पद जारी किए गए हैं। साथ ही एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सुपरिटेंडेंट के लिए भी इसमें अनेक्स्टर दिया गया है जिसे आप FSI ऑफिशियल वेबसाइट से चेकआउट कर सकते हैं। जिन भी कैंडिडेट्स ने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप उत्तराखंड ओपन ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको इन सभी PDF के बारे में जानकारी अपलोड कर दी गई है, आप वहाँ से इनके फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। सो गाइस दैट्स एंड ऑफ द वीडियो, इफ यू थिंक एंड इफ यू रियली एंजॉय द वीडियो देन हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर फ्यूचर वीडियो। इनफैक्ट लेट मी इन द कमेंट्स बिलो इफ यू वांट टू वॉच मोर सच वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।